मैं जैसे स्कूल में पढ़ती थी वो कहने को तो इंग्लिश मीडियम स्कूल था पर माहौल एकदम हिंदी मेरे दादाजी मुझसे अक्सर इंग्लिश में बात करने की कोशिश करते और मैं बस ओके ओके करती रहती मुझे याद है मैं अक्सर स्कूल में इंग्लिश में बात करने की कोशिश करती थी क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था पर सब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे बच्चे तो बच्चे टीचर्स भी मेरा मजाक उड़ाया करते थे शायद आप में से कई लोग भी ये सारी गलतियाँ कर रहे होंगे तो चलिए डिस्कस करते हैं कि क्या है वो गलतियाँ जिनकी वजह से आपकी इंग्लिश इम्प्रूव नहीं हो पा रही है इंग्लिश सीखने वाले तीन तरह के लोग होते हैं पहले वो जो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं जिन्हें लगता है कि उन्हें सब आता है और इसलिए वो प्रैक्टिस ही नहीं करते और जब भी बोलने का मौका मिलता है तो वो नहीं बोल पाते और दूसरे होते हैं वो लोग जो बिल्कुल ही अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं जिन्हें लगता है कि यार टेंसेस भी पढ़ लिए रैपिडिक्स भी पढ़ ली पूरी ग्रामर के टॉपिक्स कवर कर लिए पर इंग्लिश तो आई ही नहीं और तीसरे होते हैं वो लोग जिनमें पेशेंस ही नहीं होता है जिन्हें लगता है कि एक हफ्ते इंग्लिश क्लास ज्वाइन कर ली तो समझो इंग्लिश आ ही गई पर होता है एकदम उल्टा तो दोस्तों आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वो गलतियाँ जिनकी वजह से हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं साथ ही साथ मैं आपको वो टिप्स भी बताऊंगी जिनकी मदद से आप खुद के साथ प्रैक्टिस करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं और आसानी से इंग्लिश को सीख सकते हैं तो मेरा नाम है उपासना शर्मा और मैं एक इंग्लिश ट्रेनर हूँ आज तक मैं अपनी क्लासेस के ज़रिए लाखों लोगों को इंग्लिश सिखा चुकी हूँ पर जब मैं अपनी इंग्लिश जर्नी को याद करती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है तो चलिए शुरू से बताती हूँ कि हुआ क्या था तो मेरा जन्म हुआ मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर मुरैना में एक ऐसा शहर जहाँ पर इंग्लिश का माहौल दूर दूर तक नहीं था मेरे दादाजी एक प्रिंसिपल थे और वो बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोलते थे मैं जब भी उनको फ्लुएंट इंग्लिश बोलते देखती अक्सर सोचती काश मैं भी अपने दादाजी की तरह एक दिन फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाऊँ मेरे दादाजी मुझसे अक्सर इंग्लिश में बात करने की कोशिश करते और मैं बस ओके ओके करती रहती ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती थी ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे दादाजी का कॉन्फिडेंस देखकर मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाता था और फिर मुँह से एक शब्द भी नहीं निकल पाता था दूसरी ओर मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी वो कहने को तो इंग्लिश मीडियम स्कूल था पर माहौल एकदम हिंदी मुझे याद है मैं अक्सर स्कूल में इंग्लिश में बात करने की कोशिश करती थी क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था पर सब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे बच्चे तो बच्चे टीचर्स भी मेरा मजाक उड़ाया करते थे बोलते थे कि मार्क्स तो तुम्हारे अच्छे आते नहीं हैं इंग्लिश बोल कर इतना शो ऑफ क्यों करती हो उनका ये सेंटेंस सुनकर जो मेरा बचा को कॉन्फिडेंस होता वो भी एकदम लो हो जाता तो दोस्तों आप बताइए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है माहौल ना मिल पाने के कारण आप जो करना चाहते हैं जो सीखना चाहते हैं वो नहीं सीख पाए तो ऐसे में कोई कैसे अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करे पर जब आप उस माहौल से निकल कर एक बड़े शहर में जाते हो तब तो आपको रियलाइज़ होता है कि यार लाइफ में सक्सेस का रास्ता तो इंग्लिश से होकर ही गुजरता है तो इसमें तो फ्लुएंट होना ही पड़ेगा सो ट्वेल्थ क्लास कंप्लीट करने के बाद मेरे पास कोई ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे और शायद तभी मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया मेरे बड़े भैया जो नोएडा में जॉब कर रहे थे मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना कुछ दिन उनके पास जाकर रहा जाए देखा जाए कि मुरैना में और नोएडा में क्या फ़र्क है और मैं नोएडा चली गई जब मैं नोएडा गई तो मैंने देखा कि बहुत बड़ा शहर है और यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं तो सक्सेस के रास्ते आपके लिए खुल जाते हैं जब आप एक बड़े शहर में जाते हो और तभी मैंने डिसाइड किया कि एक बहुत अच्छा मौका है जहाँ पर मैं अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकती हूँ जो मेरा सपना है जो मेरा पैशन है इंग्लिश को इम्प्रूव करना उसको फॉलो कर सकती हूँ और तब मैंने डिसाइड किया कि मैं एक इंग्लिश इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूँगी और इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद कहीं ना कहीं मैंने अपने मन में ठान लिया था कि अब जब ये ज्वाइन कर लिया है तो पूरे डेडिकेशन के साथ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करके रहूँगी तो इंस्टीट्यूट से आने के बाद मैं खुद के साथ खूब प्रैक्टिस करती और खुद के साथ प्रैक्टिस करते करते मैंने एक अनोखा तरीका निकाला जो तरीका मेरे लिए रामबाड़ साबित हुआ वो तरीका था खुद के वीडियोस बनाकर खुद को फीडबैक देना जब आप खुद के वीडियोस बनाकर खुद को फीडबैक देते हो आपको उन मिस्टेक्स का पता चलता है जो आप जाने अनजाने कर रहे होते हो तो इस तरीके से मैंने खुद को इम्प्रूव किया पर जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हो तब आपको रियलाइज होता है उन गलतियों का जो आप जाने अनजाने कर रहे होते हो शायद आप में से कई लोग भी ये सारी गलतियाँ कर रहे होंगे तो चलिए डिस्कस करते हैं कि क्या है वो गलतियाँ जिनकी वजह से आपकी इंग्लिश इम्प्रूव नहीं हो पा रही है तो सबसे पहली गलती है प्रैक्टिस ना करना ज़रा सोचिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ग्रामर बहुत अच्छे से आती है वो कैबुलरी बहुत अच्छी होती है पर जब इंग्लिश बोलने की बात आती है तो वो नहीं बोल पाते क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं करते अच्छा एक एग्जाम्पल से समझते हैं चाय पीना सबको पसंद है अब जरा सोचिए कि सबसे अच्छी चाय आपको किसके हाथ की लगती है अच्छा मुझे अपनी मम्मी के हाथ की चाय बहुत अच्छी लगती है अगर अब अगर मैं रेसिपी अपनी मम्मी से पूछ लूँ कि मम्मी आप चाय कैसे बनाते हो तो वो कहेंगी कि मैं पानी में चाय पत्ती डालती हूँ चीनी डालती हूँ और दूध और अदरक डालती हूँ तो क्या मैं अपनी मम्मी की जैसी सेम चाय बना पाऊँगी मैं नहीं बना पाऊँगी मैं क्यों नहीं बना पाऊँगी क्योंकि मैंने कभी चाय बनाने की प्रैक्टिस ही नहीं की सेम गोज विथ इंग्लिश जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हो आप नहीं बोल पाते हो इसलिए मैं बोलती हूँ कि प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिए हम में से बहुत सारे लोग जब हम डिसाइड करते हैं कि ओके हम इंग्लिश सीखेंगे तो स्टार्टिंग में हमारे अंदर बहुत ज़्यादा जोश रहता है हम सोचते हैं कि दो महीने बिल्कुल कंसिस्टेंट रह के हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर लेंगे पर कुछ टाइम के बाद हम डिमोटिवेट क्यों हो जाते हैं क्या आपने कभी सोचा है कि कारण क्या है हमारे डिमोटिवेट होने का कारण मैं बताती हूँ आपको कारण है ग्रामर ग्रामर पे बहुत ज़्यादा फोकस करना बहुत सारे लोग जब इंग्लिश सीखना स्टार्ट करते हैं तो वो पहली गलती यही करते हैं वो स्टार्ट करते हैं ग्रामर से ग्रामर इज़ सो वास्ट आप जितना डीप जाओगे उतना कन्फ्यूज़न बढ़ेगा इसलिए मैं कहती हूँ कि ग्रामर को आप सेकेंड प्रायोरिटी पर रखो फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी स्पीकिंग तो आपको सबसे ज़्यादा बोलने पर फोकस करना है अब आप सोचोगे कि मुझे तो इंग्लिश आती नहीं है मैं बोलूंगा कैसे तो आप स्टार्ट करो बेसिक टॉपिक्स से फॉर एन एग्जाम्पल स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन एंड देन टॉक अबाउट योर डेली रूटीन एंड टॉक अबाउट योर फेवरेट पर्सन जब आपको लगता है कि नाउ आई कैन टॉक अबाउट दीज थ्री पॉइंट्स आसानी से तब आप अपनी ग्रामर पे वर्क करना स्टार्ट करो और ग्रामर पे जब आप वर्क करोगे तब आपको डीप नहीं जाना है ग्रामर में जस्ट हैव लिटिल बिट ऑफ नॉलेज बेसिक नॉलेज ताकि आप जो कॉमन मिस्टेक्स हैं वो ना करो राइट यू नो गाइस जब भी मैं यूट्यूब पर कोई वीडियो पोस्ट करती हूँ ज़्यादातर लोग ये कमेंट करते हैं कि मैम आई डू नॉट हैव एनी एनवायरनमेंट टू स्पीक इन इंग्लिश मेरे पास इंग्लिश बोलने का एनवायरनमेंट ही नहीं है और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि एनवायरनमेंट तो है पर मैं बोल नहीं पाता ऐसा क्यों होता है बिकॉज हम में से ज़्यादातर लोग गलतियां करने से डरते हैं हमें लगता है कि यार अगर मैंने गलती कर दी तो सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा अब जरा ध्यान से ज्यादा दो चीजें होंगी जब आप गलती करोगे पहली चीज ये कि आपको इंसल्टिंग फील होगा और दूसरी चीज ये कि आपको कोई फीडबैक दे देगा अब अगर आप ध्यान से सोचोगे तो आपको दोनों ही चीजों में फायदा नजर आएगा वो कैसे जब कोई हमारी इंसल्ट करता है तो वो चीज़ हमें हमेशा याद रहती है जिसकी वजह से हम उस गलती को दोबारा रिपीट नहीं करते और दूसरी मिस्टेक होती है फीडबैक देना जब कोई जब हम कोई गलती कर देते हैं तो सामने वाला हमें फीडबैक देता है और जब वो हमें फीडबैक देता है तब हम अपनी गलतियों को इम्प्रूव कर पाते हैं हमारा इम्प्रूवमेंट हमारे इम्प्रूवमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं तो गलती करने से मत डरिए जब आप ये तीनों गलतियां करना बंद कर देंगे तब आपकी इंग्लिश जर्नी की शुरुआत होगी मेरे साथ भी तो ऐसे ही हुआ था स्टार्टिंग में मैंने खूब सारी मेहनत की और सिर्फ तीन महीनों में खुद को इतना इम्प्रूव कर लिया कि जिस इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ती थी उसी सेम इंस्टीट्यूट में मैंने ट्रेनर बनने का ठान लिया और मैं उस इंस्टीट्यूट में ट्रेनर बन भी पाई और ट्रेनर बनने के बाद मैंने कई सारे लोगों को पढ़ाया स्कूल गोवर्स कॉलेज गोवर्स वर्किंग प्रोफेशनल्स और उनमें से ज़्यादातर लेडीज़ भी थी तो सोचिए अगर मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ तो आप भी इम्प्रूव कर सकते हैं जब मैं इंग्लिश सीख रही थी तब मेरे पास प्रैक्टिस करने के लिए कोई पार्टनर नहीं था हाँ ये बात सच है कि मैं इंस्टीट्यूट जाती थी पर इंस्टीट्यूट तो आप सिर्फ एक घंटे के लिए ही जाते हो बाकी के टाइम तो आप खुद के साथ ही हो तो इस वजह से मैंने खुद के साथ प्रैक्टिस करने के कुछ अनोखे तरीके निकाले जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए बात करते हैं पहली ऐसी टिप की जिसकी मदद से आप खुद के साथ इंग्लिश प्रैक्टिस कर सकते हैं तो वो पहली टिप है टॉक टू योर सेल्फ इन इंग्लिश अब आप में से ज़्यादातर लोग ये सोचेंगे कि खुद से कौन बातें करता है पर जब आप गौर से सोचेंगे तब आपको रियलाइज होगा कि सबसे ज़्यादा बातें हम जिससे करते हैं वो हम खुद ही हैं एटलीस्ट मैं तो खुद से ऑलमोस्ट हर वक्त बातें कर रही होती हूँ कुकिंग करते वक्त ट्रेवलिंग करते वक्त छत पे वॉक करते वक्त हर वक्त मेरे मन में कुछ ना कुछ चल रहा होता है आगे के प्लान्स पास्ट की बातें और बहुत सारी चीजें अब जरा सोचिए अगर ये सारी बातें हिंदी की बजाय इंग्लिश में होने लगे तो आपको कितना फायदा होगा तो यस आपको ये टिप फॉलो करनी है टॉक टू योर सेल्फ इन इंग्लिश धीरे धीरे खुद के साथ इंग्लिश में बातें करना स्टार्ट कीजिए लेट मी टेल यू वन थिंग गाइज जब भी मैं रात में सोने के लिए जाती हूँ मैं डायरेक्टली नहीं सोती हूँ ऑलमोस्ट लाइक आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो बिस्तर पर लेटते ही सो जाता है सेम चीज़ मेरे साथ भी होती है जब मैं रात में बिस्तर पर लेटती हूँ मेरे माइंड में कई थाट्स आते हैं कि ओके वट आर द थिंग्स आई एम गोइंग टू डू टूमोरो कल मैं कौन कौन सी चीजें करने वाली हूँ और मेरे सारे प्लान्स मैं इंग्लिश में बनाती हूँ सेम चीज़ आपको भी करनी है इवन जब मैं इंग्लिश सीख रही थी ये टिप मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की है जब भी मैं रात में सोने जाती थी आई रिकॉल्ड एवरी कि आज दिन में क्या क्या हुआ मैं किससे मिली किससे बात की क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा कल क्या करूंगी एवरी थिंग इन इंग्लिश कुछ भी कर रहे हो आप जस्ट मेक श्योर दैट यू आर टॉकिंग टू योर सेल्फ इन इंग्लिश लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड टिप खुद का रास्ता खुद बनाओ जब हम इंग्लिश सीखने का डिसाइड करते हैं तो हम कई सारे लोगों से टिप्स लेते हैं कि यार मैं इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए क्या करूं और बहुत सारे लोग आके हमें कई सारा ज्ञान दे जाते हैं कुछ लोग बोलते हैं कि दा हिंदू पढ़ लो आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी कुछ लोग बोलते हैं नॉवल्स पढ़ने की आदत डालो इंग्लिश तो खुद से इंप्रूव हो जाएगी कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि यार टीवी सीरीज देखो और इंग्लिश गाने सुनो अब जरा ध्यान से सोचिए जो रास्ता दूसरे लोगों के लिए वर्क किया है वो आपके लिए भी वर्क करेगा ऐसा नहीं है इसलिए मैं कहती हूँ खुद का रास्ता खुद बनाओ लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल हेयर एक बार एक हाउस वाइफ ने मुझसे पूछा कि उपासना मुझे खुद की इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो मुझे क्या करना चाहिए और अगर मैं उनसे कह दूं कि मैम आप जाके द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ो तो एक हाउसवाइफ क्या करेंगी द हिंदू न्यूज़पेपर का वो ऑलमोस्ट हर वोकेबलरी वर्ड को गूगल पर जाके सर्च करेंगी और कुछ टाइम के बाद वो डिमोटिवेट हो जाएंगी उन्हें लगेगा कि यार ये क्या आफत है मैं हर एक वर्ड को गूगल कर रही हूँ राइट right? तो मैंने उनको पूछा मैम आप सबसे पहले मुझे अपने इंटरेस्ट के बारे में बताइए तो उन्होंने मुझसे कहा कि उपासना मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है मुझे ट्रैवलिंग करना बहुत अच्छा लगता है और फिर मैंने उनको सजेशन उनकी इंट्र... उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग दिया उनकी हॉबी के अकॉर्डिंग दिया उनकी हॉबी थी कुकिंग तो मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि मैम आप रेसिपीज इंग्लिश में पढ़ना स्टार्ट करो आप ऐसे यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करो जो आपको रेसिपीज इंग्लिश में बताते हैं सेम टाइम पर आप अपना इंटरेस्ट भी फॉलो कर रहे हो और साथ ही साथ आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव हो रही है सेम थिंग आई सेम थिंग आई रिकमेंड यू पीपल ऑलवेज गो विद योर इंटरेस्ट हमेशा अपने इंटरेस्ट को फॉलो करो अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट है देन गो एंड रीड अबाउट योर फेवरेट क्रिकेटर आप अपने फेवरेट क्रिकेटर की स्पीच सुन सकते हो बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो बट मेक श्योर दैट यू आर इंटरेस्टेड इन दैट बस इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें कि हमें मज़ा आ रहा है बिकॉज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इंग्लिश बिकम्स रियली इजी व्हेन वी स्टार्ट इंजॉइंग द थिंग्स जब हम चीज़ों को इंजॉय करने लग जाते हैं तो सीखना बहुत आसान हो जाता है और जब हम दूसरों की टिप्स मान के कुछ भी करने लगते हैं तो वो एक बर्डन की तरह लगता है लगता है ना? तो इसलिए मैं कहती हूँ ऑलवेज फॉलो योर इंटरेस्ट थर्ड पॉइंट इज इंग्लिश बोलते वक्त माइंड में वर्ड्स नहीं आते एवरी सेकेंड पर्सन इज फेसिंग दिस सेम प्रॉब्लम हर कोई ये प्रॉब्लम फेस करता है दे ऑफन कंप्लेन कि उपासना इंग्लिश बोलना तो चाहता हूँ पर माइंड में वर्ड्स ही नहीं आते ऐसा क्यों होता है ओके लेट्स लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड विद इन रियल लाइफ इंसिडेंट कुछ साल पहले जब मैंने पहली बार फ्लाइट से बेंगलोर ट्रैवल किया मैं बहुत खुश थी आई वॉज सीरियसली ऑन क्लाउड नाइन वो होता है ना जब आप पहली बार फ्लाइट से ट्रेवल करते हो आपको बहुत अच्छा लगता है एक्सपीरियंस एकदम अलग होता है मतलब आप ऊपर बादल नीचे और आप हर किसी को बताना चाहते हो वो खुशी तो जब मेरे फैमिली मेम्बर्स ने मुझसे पूछा कि उपासना आपके फ्लाइट में एक्सपीरियंस कैसा रहा सो आई कुड एक्सप्लेन एवरी टू देम मैं हर छोटी से छोटी चीज़ उनको बता पाई पर जब सेम क्वेश्चन मुझे मेरे एक फ्रेंड ने पूछा जो बेंगलोर में रहते हैं मैं उनके सामने नहीं बोल पाई ऐसा क्यों हुआ क्योंकि मेरे फ्रेंड को हिंदी नहीं आती थी और मुझे उनको इंग्लिश में बोलना था उस टाइम पर मेरे माइंड में वर्ड्स ही नहीं आए तो अब मुझे समझ में आया कि उस टाइम पर ऐसा क्यों हुआ उस टाइम पर इसलिए ऐसा हुआ बिकॉज दैट टाइम आई वॉज नॉट फीडिंग माई ब्रेन विद इंग्लिश कॉन्टेंट उस टाइम पर मैं अपने माइंड को इंग्लिश कंटेंट बिल्कुल भी नहीं दे रही थी अगर आप अपने माइंड को इनपुट नहीं दोगे तो हाउ वुड यू बी एबल टू प्रोड्यूस आउटपुट जब आप इंग्लिश बोलना चाहते हो तो बहुत जरूरी है कि आपको अपने माइंड को कुछ इंग्लिश कंटेंट देना पड़ेगा आपको अपने माइंड को इंग्लिश कंटेंट से फीड करना पड़ेगा अब आपको इसको गलत वे में लेके नहीं जाना है कि मुझे सिर्फ इंग्लिश कंटेंट से, से फीड ही करना है और कुछ नहीं करना है लेट मी रिमाइंड यू गाइज आउटपुट एंड इनपुट बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट आपका बोलना और अपने माइंड को इंग्लिश कंटेंट देना दोनों ही चीज़ बराबरी से जरूरी है तो इस तरीके से मैंने खुद की इंग्लिश को इम्प्रूव किया और आज अपने यूट्यूब चैनल की मदद से लाखों लोगों को इंग्लिश सिखा पा रही हूँ तो अगर आपको आज के स्टॉक में कोई भी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए और जो स्टॉक के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जो स्टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप डेली चालीस हजार लोगों की इंग्लिश लर्निंग टेक्निक को चेंज कर रहा है यहाँ लोग बिना डर और एम्बेरसमेंट के आपस में इंग्लिश में बात कर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको कौन रोक रहा है इस जजमेंट फ्री माहौल का हिस्सा बनने से आज ही जुड़े